भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल उत्तराखंड के किच्छा में करीब 1000 एकड़ भूमि पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में करीब 7,500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश के साथ युवाओं के लिए 20,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को आर्थिक केंद्र बनाते हुए करीब 3,000 एकड़ भूमि पर ग्रीन फील्ड सिटी बनाने की परियोजना पर भी कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहां पर खुरपिया फार्म में 1,000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा, इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।